ये है बैलून, कल भी हमने एक उड़ाया था, अब देखते हैं अगर ये फटेगा नहीं तो। तार पे लग गई है तो अरे उस पे लगाना कहीं से। यार। और ये बैलून जो है किसी और ने उड़ाया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से, और आज है बड़ी दिवाली। तो सबसे पहले आप सभी को बड़ी दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पे हमेशा बने रहे। तो कर लेते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। चलो आज कुछ नया देखते हैं। तो हमारी लक्ष्मी पूजा जो है हो चुकी है, और ये रहा हमारा घर का मंदिर। और हमने ये जो है मेन गेट पे भी कैंडल लगा दी है, ये देख सकते हैं गेट के ऊपर। और इधर दीवार पे भी हमने कैंडल लगा दी है। ये वाली कैंडल जो है वो बुझ चुकी है, और बाकी जल रही हैं, इसको भी अभी जलाया जाएगा। और ये हमारे घर से पेट्रोल पंप तिलवाड़ा का नज़ारा, ये देखो दिवाली में देख सकते हैं लड़ियां किस तरह से जगमगा रही हैं। ये है हमारे आंगन की शोभा यानी तुलसी का पौधा, इसको भी हमने लड़ियों से डेकोरेट किया है। ये देख गुनों गुनों कर रहा। अच्छा वो तभी वापस जा रही थी, उसके बच्चे पीछे रह गए। तो दोस्तों हमारा खाना पीना जो है वो हो चुका है, अब हम जलाएंगे क्रैकर्स यानी पटाखे। पटाखे आवाज वाले नहीं है, बस फुलझड़ी जलाएंगे। आवाज वाले पटाखे से बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हम जलाएंगे फुलझड़ी। और ये रे पटाखे यानी फुलझड़िया, ये देखो। बैलून कहाँ है, ये तो बंदर भगाने के काम आएंगे, इनको नहीं जलाएंगे, काफी आवाज होती है इनमें। और इसमें कुछ और भी है, ये तो डाटा केबल थी जो कल हमने खरीदी थी, इसको जलाएंगे। और यहाँ पे राधिका जला रही है अनार। जलेगा जलेगा। जला जला और जला, इसके ऊपर रख रख रख। फुलझड़ी
अब जला रहे हैं हम कलरफुल वाली फुलझड़ी, जिससे इस तरह से वो निकलता है। अच्छी दिवाली। ऐसे रखना। अब यहाँ पे आशा जला रही है फुलझड़ी, और गुन्नू अपनी फुलझड़ी वो दल जला रही है, पता नहीं फुलझड़ी जला रही है। हैप्पी दिवाली गाइस। ज़्यादा नहीं। ये ऐसे डर लगता है कि यार डर गई जल्दी से जल्दी घूमो। ये है बैलून, कल भी हमने एक उड़ाया था, अब देखते हैं अगर ये फटेगा नहीं तो। और ये इस तरह से होता है, इसमें कैंडल, और इसको पारने के बाद यहाँ पे इसके अंदर वायर लगी हुई है तार, और ये इसके अंदर फंसाएंगे और इसमें आग लगाएंगे, तो इसके अंदर जो है गैस बनेगी तब ये उड़ेगा। अभी कोशिश करते हैं हम इसको भी मिशन सक्सेसफुल करने की। और ये इस तरह से हमने इसमें कैंडल लगा दी है, अब इसमें इसको थोड़ा ओपन करेंगे, इस तरह से होता है, देखते हैं। कल तो हमने उठा दिया था इसको, फिर आज उठाएंगे नहीं जहाँ तक जाएगा। अब नींद भी आ रही है, आज इसको गुन्नू जलाएगी, इस पे कैंडल से आग लगाएगी नीचे से। इन्हें लगाओ इधर, इधर वो है ना तार, इस पे लगा, उस साइड पकड़ना पड़ेगा जो कागज ना जले ना। इधर ही लगा ले कागज। तार पे लग गई है तो उस पे लगाना कहीं से। और इसके अंदर गैस बन रही है, देखो ये उड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। यहाँ वायर भी है, देखते हैं कितना दूरी तक जाएगा। हम इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, देखो अभी छोड़ रहे हैं तो ये ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि इसके जलने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी चाहिए, और इसलिए अब ये इसके अंदर गैस बन चुकी है। और ये जो है लग रहा है आज बन लग रहा है, जल तो रहा है पर उड़ नहीं रहा है, इसको थोड़ा और खोलना पड़ेगा इधर से, और खोलेंगे इधर से थोड़ा सा। यहाँ से बलून फट चुका है और ये उड़ चुका है, और ये उड़ नहीं रहा है, और उड़ा जा गया। और ये बलून जो है हमारा उड़ चुका है, जय श्री राम, उड़ गया।
बलून जो है काफी हाइट पे जो है उड़ चुका है। अब देखते हैं वो नीचे कहाँ गिरता है, दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। गरम हो गया, अब नीचे की तरफ आ रहा है, ये धीरे धीरे आ रहा है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। और ये सीधे नदी में गिरेगा, और ये देखो 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 देखो, बुझ चुका है। मेरे कार के ऊपर मत वो करना, पता चल रहा है। बहुत ज्यादा उड़ता है अभी, वहां भी किसी ने उड़ाया। और ये बैलून जो है किसी और ने उड़ाया है। ये आजकल बैलून वाला सिस्टम काफी पॉपुलर हो गया है। ये है मुर्गा छाप, टर्की लिखा हुआ है इस पे। और अब हम इस पूरे पैकेट को आग लगाएंगे, ये पूरी लड़ी है, पर यहाँ घर पे नहीं लगाएंगे क्योंकि किट्टू जो है वो डर जाती है। तो हम नीचे रोड पे जा रहे हैं, हम वहाँ पे जलाएंगे इसको। यहाँ पे हमने पटाखे रख दिए हैं, अब मैं इनको लगा।